बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग होकस पोकस। इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से, यानी कि आज से कई सौ साल पहले। दिन होता है 31 अक्टूबर और साल होता है 1693, जहां पर हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है और इसी गांव में एक घर में एक लड़का सो रहा होता है। अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी छोटी सिस्टर एमिली, जो उसके साथ सोई थी, अब वो वहां पर नहीं है। वो बाहर एमिली को ढूंढने जाता है लेकिन उसे एमिली कहीं नहीं दिखती। और तभी एक लड़का बताता है कि एमिली को एक औरत अपने साथ पकड़कर नदी के दूसरी तरफ ले गई है। ये सुनने के बाद वो अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और उस घर के बाहर से अंदर झांक कर देखता है जहां पर वो लेडी उसकी सिस्टर को ले गई थी। वो अंदर देखता है कि तीन चुड़ैलें हैं जो कुछ जादू मंत्र कर रही हैं। वहां पर उसकी सिस्टर एमिली भी होती है। दरअसल तीनों की तीनों चुड़ैलें यहाँ पर एक ऐसा काढ़ा बना रही है जिसे एमिली को पिलाने के बाद उसकी आत्मा, उसकी खूबसूरती और उसकी उम्र इन तीनों को मिल जाएगी। दरअसल ये तीनों की तीनों सिस्टर्स हैं। सबसे बड़ी होती है विनी। विनी इन तीनों में लीडर है और वो बहुत ही समझदार है। सबसे छोटी का नाम होता है सारा। सारा ऐसी आवाज निकाल सकती है जिससे बच्चों को लुभाकर अपने करीब ला सकती है। और बीच वाली सिस्टर का नाम होता है मैरी। मैरी किसी भी बच्चे की स्मेल से पता लगा सकती है कि वो बच्चा कहाँ पर है। और अब ये काढ़ा बनाकर एमिली को पिलाने वाले होते हैं कि उसका ब्रदर अंदर आ जाता है, इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये उसे बेहोश कर देती हैं और इसके बाद एमिली को काढ़ा पिला देती है। काढ़ा पिलाने के बाद ये तीनों की तीनों जवान हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो लड़का भी होश में आ जाता है। वो देखता है कि वो अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाया, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों चुड़ैलों से कहता है कि चाहे तुम कितने ही बच्चों को क्यों ना मार दो लेकिन तुम कभी भी सुंदर नहीं दिख सकती। ये सुनने के बाद उन तीनों चुड़ैलों को गुस्सा आता है और वो उसे एक काली बिल्ली में बदल देती हैं और कहती हैं कि तुम हमेशा इसी गिल्ट में जियोगे कि तुम अपनी सिस्टर एमिली को नहीं बचा पाए। अब यहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं और इन तीनों को पकड़ लेते हैं। इनसे पूछते हैं कि वो बच्चे कहाँ पर हैं, लेकिन ये उनके बारे में कुछ नहीं बताते। जिसके बाद तय किया जाता है कि इन तीनों को मार दिया जाएगा। अब ये अपनी जादुई किताब में पढ़कर सबको बताते हैं कि हेलोवीन की रात को एक कुंवारा लड़का इनको आजाद करेगा, जिसके बाद दुनिया के सभी बच्चे इनके हो जाएंगे और ये हमेशा के लिए जवान रहेंगी। इसके बाद इन्हें मारकर ताबूत में दफना दिया जाता है। वहां पर वो काली बिल्ली भी होती है जो असल में एक लड़का है। वो अपने पिता के पैरों के पास जाता है लेकिन उसके पिता उसे नहीं पहचानते। अब वक्त बीतता है और 300 साल बीत जाते हैं, जहां हमें क्लास में दिखाया जाता है कि एक टीचर अपने सभी स्टूडेंट को यही कहानी सुना रही होती है। इसी क्लास में मैक्स नाम का एक लड़का होता है। वो इस कहानी पर हेलोवीन रात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब मैक्स घर जा रहा होता है तभी रास्ते में दो लड़के जो उसी के साथ पढ़ते हैं उसे बहुत परेशान करते हैं, उसके शूज छीन लेते हैं। मैक्स वापस अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी छोटी सिस्टर उसके पास आती है और कहती है कि आज हम हेलोवीन पार्टी में जाएंगे। हालांकि मैक्स नहीं जाना चाहता पर अपने पेरेंट्स के कहने पर वो राजी हो जाता है और रात को वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ हेलोवीन पार्टी में जाता है। हेलोवीन पार्टी वो पार्टी होती है जहां पर सभी बहुत ही खतरनाक भयानक ड्रेसेस पहनकर आते हैं। पर इससे पहले कि ये घर के अंदर पार्टी में जाते, बाहर वही दो लड़के मिल जाते हैं जिन्होंने सुबह मैक्स के शूज छीन लिए थे। वो एक बार फिर से इन्हें परेशान करते हैं और उसकी सिस्टर का बैग लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अभी दोनों के दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर मैक्स को उसकी क्लासमेट जिसका नाम एलिसन है, जिसे वो बहुत पसंद करता है, वो मिलती है और एक बार फिर से ये दोनों उन्हीं तीनों चुड़ैल बहनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में इन्हें टीचर ने बताया था। एलिसन बताती है कि उन तीनों के घर को म्यूजियम बना दिया गया था जहाँ पर बहुत अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई, इसीलिए उस म्यूजियम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैक्स कहता है आज हेलोवीन की रात है, क्यों ना हम वहीं पर जाएं। जिसके बाद ये तीनों के तीनों सालों पहले बंद हो गए उस म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर वो जादुई किताब भी है जिस किताब से पढ़कर उन तीनों बहनों ने बताया था कि हेलोवीन की रात को कोई कुंवारा लड़का उन्हें वापस इस दुनिया में लेकर आएगा। ये वही जादुई किताब होती है जिससे वो सारे जादू किया करती थी।
यहाँ पर एक कैंडल भी होती है जिस पर लिखा होता है कि अगर हेलोवीन की रात को कोई कुंवारा लड़का इस कैंडल को जलाएगा तो सभी मरी हुई आत्माएं वापस जिंदा हो जाएंगी। पर मैक्स पुरानी कहानियों पर भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, इसीलिए वो लाइटर से कैंडल जलाने की कोशिश करता है, पर तभी एक काली बिल्ली उस पर हमला कर देती है। हालांकि एलिसन उसे कैंडल जलाने से मना भी करती है, लेकिन मैक्स उस कैंडल को जला देता है, जिसके बाद यहाँ पर जितने भी बल्ब होते हैं वो सब के सब ब्लास्ट हो जाते हैं। साथ ही तेज हवाएं चल रही होती है, पूरा घर हिल रहा होता है। और अगले पल हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जो चुड़ैले हैं, जिन्हें आज से 300 साल पहले दफना दिया गया था, वो एक बार फिर से जिंदा हो चुकी हैं। ये तीनों के तीनों बच्चे छुप जाते हैं, पर इन्हीं तीनों में से एक को बच्चों की खुशबू आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उनके घर पर बच्चे हैं। ये बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैक्स की छोटी सिस्टर इन्हें मिल जाती है, पर इससे पहले कि ये उसे नुकसान पहुंचाते, मैक्स भी बाहर आ जाता है, इनके ऊपर हमला कर देता है। ये अपने जादू से मैक्स को हवा में उड़ा देते हैं। एलिसन भी बाहर आकर इन पर हमला कर देती है। और अब इससे पहले कि ये तीनों की तीनों चुड़ैले इन बच्चों को नुकसान पहुंचाती, ये सब यहाँ से भागने लगते हैं, पर मैक्स वहीं पर गिर जाता है। तभी उसके ऊपर काली बिल्ली आती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैक्स डर जाता है कि बिल्ली इंसान की तरह बोल सकती है। और इसके बाद मैक्स उन तीनों चुड़ैलों की जादुई किताब लेकर घर से भाग जाता है। तीनों चुड़ैले उसका पीछा करती हैं, और जब वो सड़क पर आती है तभी वो देखती है कि उनके सामने पुलिस की गाड़ी है जिसके ऊपर सायरन है, जिससे लाल रंग की रोशनी निकल रही है और तेज तेज आवाज हो रही है। ये उसे देख कर डर कर भाग जाती है, क्योंकि 300 साल पहले जब ये जिंदा थी उस वक्त इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वहीं मैक्स उसकी सिस्टर और एलिसन को वो काली बिल्ली कब्रिस्तान ले जाती है और बताती है कि आज तक तुमने इन तीनों चुड़ैलों के बारे में जो भी कहानियां सुनी थी वो सब की सब सच्ची थी और उसका सबूत मैं हूँ। वो कब्रिस्तान में उसे अपनी छोटी बहन एमिली की कब्र भी दिखाती है। और अब यहाँ पर वो तीनों चुड़ैले आ चुकी है। वो मैक्स से अपनी जादुई किताब को वापस हासिल करना चाहती है, इसीलिए वो एक कब्र से एक मुर्दे को जगाती है और उसे हुक्म देती है कि तुम्हें मैक्स से उस किताब को वापस हासिल करना होगा। पर इससे पहले कि वो उन तीनों बच्चों तक पहुंचता, वो तीनों के तीनों एक छोटे से होल से अंदर चले जाते हैं। जमीन के अंदर नालों की सुरंगें होती हैं, जिनके बारे में काली बिल्ली ने बताती है कि ये सड़क तक जाती हैं। और अब ये उन सुरंगों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और वो शैतान वो मुर्दा अब भी इनके पीछे होता है जो इनसे किताब को हासिल करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उन तीनों सिस्टर्स को दिखाया जाता है जो सड़क पर पहुंच जाती है, और तभी उनके सामने एक बस आकर रुकती है, जिसे देखकर पहले तो डर जाती है, पर उसके अंदर इंसान को देखकर वो समझ जाती है कि ये कोई टेक्नोलॉजी है। ड्राइवर उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। वो कहती है कि जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो। ड्राइवर कहता है कि बस में बैठ जाओ, और वो उन्हें हेलोवीन पार्टी की तरफ ले चलता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और अब जब ये हेलोवीन पार्टी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये सबको देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन सब ने अजीब अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं और सब इन्हें देखकर भी यही समझ रहे होते हैं कि इन्होंने हेलोवीन पार्टी के लिए इस तरह का मेकअप और इस तरह के कपड़े पहने हैं। ये तीनों की तीनों अपनी उड़ने वाली झाड़ू को घर के बाहर रखकर घर के अंदर चली जाती हैं, और तभी कुछ बच्चे आते हैं और इन तीनों की झाड़ू को लेकर चले जाते हैं। अभी तीनों बहनें जब बाहर आती हैं तो देखती हैं कि इनकी जादुई उड़ने वाली झाड़ू वहां पर नहीं है, जिससे तीनों के तीनों परेशान हो जाते हैं। वहीं मैक्स, एलिसन और मैक्स की सिस्टर को दिखाया जाता है जो अब सड़क पर आ चुके हैं। ये तीनों के तीनों उस जगह जाते हैं जहां पर बड़ों की पार्टी होती है। यहां पर इनके मॉम डैड इनके पेरेंट्स होते हैं। ये अपने पेरेंट्स को बताते हैं, लेकिन इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। जिसके बाद मैक्स स्टेज पर जाता है और माइक से सबको सारी घटना के बारे में बताता है, पर मैक्स की बात पर यहाँ कोई भी विश्वास नहीं करता। और अब वो तीनों चुड़ैले यहाँ पर पहुंच चुकी है। सबको लगता है कि ये चुड़ैले नहीं है बल्कि हेलोवीन पार्टी के लिए इन्होंने इस तरह का मेकअप और ड्रेसेस पहनी हुई है। जिसके बाद ये तीनों चुड़ैले स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जो सब इंजॉय करते हैं। पर इसी दौरान मैक्स, एलिसन और मैक्स की सिस्टर इस जगह से निकल कर अपने स्कूल में चले जाते हैं। ये तीनों भी उनके पीछे वहां पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें बहुत सारे बच्चों की खुशबू आती है।
इन्हें लगता है कि बच्चों की शायद ये जेल है, इससे अच्छी जगह इनके लिए कोई नहीं हो सकती। वहीं मैक्स स्कूल के अंदर इन्हें किसी भी तरह से कैद करना चाहता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो एक कमरे से माइक से इन्हें आवाज लगाता है, जबकि स्पीकर एक दूसरे कमरे में होता है, और उस आवाज का पीछा करते हुए ये स्पीकर वाले कमरे में चली जाती है। और ठीक उसी वक्त मैक्स बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल ये एक तरह की चिमनी होती है जिसे गर्म करके वहां पर आग लगाई जा सकती है। और अब मैक्स बाहर से बटन दबा देता है जिससे अंदर आग लग जाती है। ये तीनों बच्चे बाहर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने चुड़ैलों को मार दिया, पर वो अब भी जिंदा होती है। और जब वो बाहर आती है तो उनके सामने वही दो लड़के होते हैं जिन्होंने मैक्स से उसके शूज छीने थे, जो हमेशा मैक्स को परेशान करते थे। और ये दोनों उन तीनों चुड़ैलों को भद्दा बदसूरत कहते हैं, जिससे उन्हें गुस्सा आ जाता है। और इन दोनों को वो अपने घर ले जाकर कैद करके ऊपर आसमान में छत पर टांग देती है। वहीं मैक्स और एलिसन को दिखाया जाता है जो घर पर होते हैं। और अब इनके पास चुड़ैलों की जादुई किताब है, और इस किताब की मदद से, इसके मंत्रों की मदद से, वो बिल्ली को वापस से इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो किताब को खोलते हैं, और जैसे ये उस जादुई किताब को खोलते हैं तो उससे बहुत तेज रोशनी निकलती है, और उस रोशनी को चुड़ैले देख लेती हैं, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी किताब और वो तीनों बच्चे कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर बिल्ली जल्दी से आकर किताब को बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि किताब की रोशनी से चुड़ैलों को पता चल जाएगा कि किताब कहाँ पर है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तीनों चुड़ैले यहाँ पहुंच जाती है, किताब को हासिल कर लेती है। साथ ही वो मैक्स और एलिसन के ऊपर हमला करती है, और मैक्स की छोटी बहन को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर तीनों चुड़ैलों में से वो चुड़ैल जो अपनी आवाज से बच्चों को सम्मोहित कर सकती है, जोर जोर से आवाज निकालती है, गाना गाती है, जिससे शहर के सभी बच्चे उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और अब चुड़ैले घर पहुंचकर जादुई किताब से एक बार फिर से वही काढ़ा बनाते हैं, जिसे किसी भी बच्चे को पिलाकर उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती ये खुद हासिल कर लेते हैं। जल्दी काढ़ा बन जाता है, और अब ये मैक्स की सिस्टर को काढ़ा पिलाने वाले होते हैं कि मैक्स वहां पर आ जाता है, और वो अपनी गाड़ी की बाहर से लाल लाइट जलाता है जिससे डर जाती हैं। मैक्स इस बात का फायदा उठाकर काढ़ा गिरा देता और अपनी सिस्टर को लेकर यहां से निकल जाता है। पर अब भी इन चुड़ैलों के पास काढ़ा बचा हुआ है, जो सिर्फ एक बच्चे के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि सुबह तक इन्हें एक बच्चे को काढ़ा पिलाना होगा, नहीं तो ये तीनों के तीनों दोबारा से नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हालांकि इनके घर के बाहर बहुत सारे बच्चे जमा हो चुके होते हैं, पर इनमें जो सबसे बड़ी चुड़ैल होती है वो मैक्स से बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो काढ़ा मैक्स की सिस्टर को पिलाना चाहती है। वो मैक्स की गाड़ी का पीछा करती है, मैक्स गाड़ी को कब्रिस्तान तक ले जाता है। ये वही कब्रिस्तान होता है जहां पर इन्हें दफन किया गया था, जहां पर इन्होंने मुर्दे को जिंदा किया था, और वो मुर्दा अब भी यहाँ पर होता है। वो मैक्स को पकड़ लेता है, चुड़ैल कहती है कि इसे मार डालो, पर उस मुर्दे को एहसास होता है कि चुड़ैल गलत है और ये बच्चे मासूम है, इसीलिए वो उसका ऑर्डर नहीं मानता और तय करता है कि वो इन बच्चों का साथ देगा और मैक्स की सिस्टर को बचाएगा। अब तीनों की तीनों चुड़ैले इनके ऊपर हमला कर देती है, वो मैक्स की सिस्टर को पकड़ लेती है, और जैसी वो उसे काढ़ा पिलाने वाली होती है तभी काली बिल्ली उसके ऊपर हमला करके काढ़े को नीचे गिरा देती है। इससे पहले कि काढ़ा नीचे गिरता, मैक्स उसे पकड़ लेता है और खुद पी जाता है, ताकि वो अपना बलिदान देकर अपनी सिस्टर को बचा सके। और अब सबसे बड़ी चुड़ैल, जिसका नाम विनी है, वो मैक्स की आत्मा को खींचना शुरू कर देती है। सब बच्चे उसे रोकते हैं, और इससे पहले कि वो मैक्स की आत्मा को खींच पाती, सूरज निकलना शुरू हो जाता है, जिससे सुबह हो जाती है, और सुबह होते विनी पत्थर की बन जाती है, और इसके बाद वो नष्ट हो जाती है। साथ ही उसकी दोनों बहनें भी नष्ट हो चुकी है, और इस तरह से इन तीनों चुड़ैलों का खात्मा हो जाता है। पर अब काली बिल्ली भी मर चुकी होती है, जिससे मैक्स की सिस्टर को बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है, और तभी वहां पर एक लड़के की आत्मा आती है। दरअसल ये उसी लड़के की आत्मा होती है जिसे अपने शराब से बिल्ली बना दिया गया था। चुड़ैलों के मरने के बाद अब शराब से वो मुक्त हो चुका है, यानी कि उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई है। यहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर एमली की आत्मा भी आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है, और अपनी छोटी सिस्टर एमली के साथ वो आफ्टर लाइफ की तरफ बढ़ चलता है, जो देखकर मैक्स, उसकी सिस्टर और एलिसन को बहुत खुशी होती है।
वहीं चुड़ैलों के घर को दिखाया जाता है जहां पर वो दो बच्चे अब भी कैद हैं, जो मैक्स को परेशान किया करते थे। वहां पर जादुई किताब भी होती है और तभी जादुई किताब की आंखें खुल जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब भी वो तीनों चुड़ैलें जिंदा हैं और कभी भी लौटकर वापस आ सकती हैं। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।